દેશમાં વધતા ડુંગળીના ભાવને લઈને હવે કેન્દ્ર સરકાર એક્શનમાં આવી. કેન્દ્રીય ગૃહપ્રધાન અમિત શાહે ઉચ્ચસ્તરીય બેઠક બોલાવી છે. બેઠકમાં નાણાપ્રધાન નિર્મલા સીતારમણ, પિયુષ ગોયલ અને રામવિલાસ પાસવાન સાથે ડુંગળીના ભાવને લઈને ચર્ચા કરવામાં આવશે. બેઠકમાં પીએમઓના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ પણ સામેલ છે. મહત્વનું છે કે છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી દેશમાં ડુંગળીનો ભાવ ભડકે બળી રહ્યો છે અને સતત વધી રહેલા ડુંગળીના ભાવને કારણે કેન્દ્ર સરકારે ઇજિપ્ત અને તુર્કીથી ડુંગળી મંગાવવાનો નિર્ણય લીધો છે. દેશના મહાનગરોમાં ડુંગળીના ભાવે પ્રતિ કિલોએ 130 રૂપિયા પહોંચી ગયો છે. વધુ માહિતી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે સંવાદદાતા રજનીશ નજન. રજનીશ, એક ઉચ્ચસ્તરીય બેઠક, કોણ કોણ ઉપસ્થિત રહેને વાલે બેઠક મેં, ક્યા કુછ જાણકારી? देखिए, कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री ने एक इंटर मिनिस्टेरियल कमेटी का गठन किया था प्याज की कीमतों को लेकर, जो पूरे देश में एक तरह से हाहाकार मचा हुआ है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए और उसके लिए क्या क्या रास्ते निकाले जा सकते हैं, उसके लिए गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये इंटर मिनिस्टेरियल कमेटी बनाई गई थी और इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण के जो मंत्री हैं रामविलास पासवान और कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल इस कमेटी के मेंबर बनाए गए थे. तो ये तीनों लोग इस कमेटी के जो मेंबर हैं और अमित शाह इसके अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ प्रधानमंत्री कार्यालय के कई वरिष्ठ अधिकारी इस मीटिंग में बुलाए गए हैं. संसद भवन में ही ये मीटिंग बुलाई गई है और लगातार कीमतें जिस तरह से बढ़ रही है और सरकार के पास क्या फ्रेमवर्क है उसको और बेहतर करने के लिए ताकि लोगों की परेशानियां कुछ कम हो, उसको लेकर चर्चा की जाएगी. फिलहाल अहम जानकारी यही है कि उपभोक्ता मंत्रालय ने जो 17,090 टन के लिए पहले ऑर्डर दिया था इजिप्ट और मिस्र से प्याज निर्यात करने के लिए, उसमें 4,000 टन की और बढ़ोतरी कर दी गई है और ये बताया गया है कि जनवरी मिड तक यानी कि 15 जनवरी के आसपास में उसकी खेप आनी शुरू हो जाएगी. साथ ही साथ उपभोक्ता मंत्रालय ने एक लिमिट भी तय किया है कि जो होलसेलर हैं वो 25 मेट्रिक टन से ज़्यादा प्याज का स्टॉक नहीं रख पाएंगे और जो खुदरा व्यापारी हैं वो 5 मीट्रिक टन से ज़्यादा उसका स्टॉक नहीं रखेंगे और स्टॉक अगर ज़्यादा रखेंगे तो वो काला बाजारी की श्रेणी में आएगा और कहीं ना कहीं उससे और ज़्यादा होर्डिंग बढ़ेगी. तो लगातार सरकार अपनी ओर से कोशिश कर रही है जनता को ये मैसेज देने की कि वो इस मामले को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर है. लगातार इजिप्ट और मिस्र से प्याज को इम्पोर्ट कराने की बातें की जा रही है, ऑर्डर किए जा रहे हैं और सरकार अपने स्तर पर लगातार इस तरह की बैठक करके कुछ ना कुछ रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है. आज जो ये बैठक अमित शाह ने बुलाई है उस बैठक का मजमून यही है कि किसी भी तरह से लोगों तक ये संदेश जाए कि सरकार बहुत ज़्यादा गंभीर है और बहुत कम समय में लोगों को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा. बैठक के बाद हो सकता है सरकार की ओर से कोई बयान जारी किया जाए और उसके बाद चीजें और ज्यादा क्लियर हो पाएंगी कि क्या निर्णय लिए गए हैं. लेकिन उपभोक्ता मंत्रालय ने कल ही ये जानकारी दे दी थी कि 17,090 टन के अलावा 4,000 अतिरिक्त टनों की व्यवस्था कराई जाएगी इजिप्ट और मिस्र से और वो मिड जनवरी तक आना शुरू हो जाएगा. यानी कि अभी पूरा दिसंबर बचा हुआ है और इस दिसंबर में लोगों को और ज़्यादा रियायत मिल पाएगी, राहत मिल पाएगी, इसकी संभावना कम से कम नज़र नहीं आ रही है. लेकिन आज की बैठक के बाद क्या रास्ता निकलता है उस पर तमाम लोगों की निगाहें ज़रूर टिकी हुई हैं. બિલકુલ રજનીશ, શુક્રિયા પૂરી જાણકારી દેને કે લે. તો ડુંગળીના ભાવ જે ભડકે બળી રહ્યા છે, ભાવ વધી રહ્યા છે, તેની સામે આજે એક મહત્વપૂર્ણ જે આ મીટિંગ મળવા જઈ રહી છે, ચર્ચાનો દોર શરૂ થઈ ચૂક્યો છે. કેન્દ્ર સરકાર હરકતમાં આવી છે, ગૃહમંત્રી અમિત શાહ આ બેઠકમાં ઉપસ્થિત રહેવાના છે અને સત્તાવાર શું જાહેરાત કરવામાં આવે છે, શું માહિતી સામે આવે છે તેના પર રહેશે સૌ કોઈની નજર.